पूरी के लिए हम आटा अच्छा हार्ड गूंध लेंगे, छोटे छोटे लोई बनाकर इसको अच्छा बेल लेंगे, तेल गरम करेंगे, उसमें बेले हुए पूरी को डालकर अच्छा उलट पलट कर अच्छा पका लेंगे, पूरी को निकाल लेंगे, रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्ट। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पूरी। पूरी बहुत ही टेस्टी बनेगा, नमकीन पूरी बनाएंगे, इसमें थोड़ा फ्लेवर भी रहेगा, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए 2-3 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे, 1 टीस्पून मंगरैल मसल कर डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन भी मसल कर डालेंगे, थोड़ा ऑयल या घी डाल देंगे, इससे मोयन कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हार्ड आटा गूंद लेंगे। इस तरह का आटा हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम पूरी बनाने की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे, आटे का छोटा छोटा लोई बनाएंगे, उसको इस तरह से पूरी की तरह गोल बेल लेंगे। अब ऑयल जब हमारा अच्छा गरम हो जाएगा, तब हम इसमें इस पूरी के सेप को डालकर उलट पलट कर अच्छा पका लेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी खस्ता पूरी बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पूरी को तैयार कर लेंगे, ये बहुत ही टेस्टी होगा। इसको आप कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, तो इसको आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स। 2 कटोरी आटा गूंदकर इसको ढककर रख लेंगे। 2 गांठ लहसुन, 1 प्याज, 5 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको छीलकर बारीक काट लेंगे। 8-10 हरी मिर्च, 1 कटोरी धनिया पत्ती, इनको भी बारीक काट लेंगे। 250 ग्राम के करीब सत्तू ले लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मंगरैल मिला लेंगे। 1 नींबू का रस मिला लेंगे। स्वाद से थोड़ा तेज नमक मिला लेंगे। 2-4 चम्मच सरसों का तेल मिला लेंगे। जरूरत लगेगा तो थोड़ा पानी भी मिला लेंगे। इनको अच्छा मिक्स करेंगे। इस तरह का हमारा सत्तू का मसाला रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे, आटे का छोटा लोई ले लेंगे, उसमें सत्तू का मसाला भरेंगे, इस तरह से बेल लेंगे, फिर इसको गरम तेल में डालेंगे, उलट पलट के अच्छा पका लेंगे। कचौड़ी सत्तू का बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा। थैंक्स। तो मटर के मसाला पूरी बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा और 2 कप मैदा ले लिया है। नमक डालेंगे, घी 4 चम्मच डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हार्ड आटा गूंद लेंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे, तेल डालेंगे, जीरा तड़का लेंगे, हींग डालेंगे, लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे, पकने पर मटर के दाने डाल देंगे, भूनेंगे, नमक डालेंगे, अमचूर पाउडर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भून लेंगे, ठंडा होने के बाद बिना पानी डाले हुए मिक्सर जार में पीस लेंगे, चाट मसाला मिला लेंगे, इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे, आटा गूंदा था उसके छोटा लोई बनाएंगे, मसाला लोई इस लोई से छोटा होगा, स्टफिंग का मसाला भर देंगे, पूरी को गोल बेल लेंगे, कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, बेले हुए पूरी को डालेंगे, पकने देंगे, उलट देंगे, इस तरह से उलट पलट कर अच्छा पूरी को सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पूरी बनकर रेडी हो जाएगी। 2 कप चना दाल, थोड़ा पानी डालकर 3-4 सीटी लगाकर कुकर में उबाल लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, 1 टीस्पून जीरा तड़का लेंगे, 1 लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे, 4-5 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबका पेस्ट बनाकर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। इन मसालों को अच्छा पका लेंगे। उबले हुए चना दाल मिलाएंगे, अच्छा दबा दबा कर चलाएंगे, आटा गूंद लेंगे, तो आटा नॉर्मल गूंदेंगे रोटी की तरह ही। अब इसका एक बड़ा लोई बनाएंगे, हाथों से फैलाते हुए स्टफिंग के लिए जगह बनाएंगे, दाल वाला स्टफिंग 2 चम्मच इसमें दबा दबा कर भर देंगे। स्टफिंग को अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए आटे से बंद कर देंगे, बेलेंगे। अब तवा गरम कर लेंगे, तवा पर जितना पीस दाल पूरी का आटा जाएगा इसमें डालकर उलट पलट कर अच्छा सेक लेंगे, पका लेंगे। इसे हम ऑयल के बिना ही पकाएंगे। दूसरे चूल्हे पर ऑयल गरम करेंगे और उसी में इस सेके हुए दाल पूरी ऑयल में डालकर उलट पलट कर पका लेंगे, हम फ्राई कर लेंगे ताकि और भी अच्छा से यह पक जाएगा और यह अच्छा फूल कर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे दाल पूरी को रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी दाल पूरी बना है हमारा।